तुम रो क्यों रहे हो? बहुत अफसोस हुआ मुझे। तुम्हें पता चल गया? हाँ पता चल गया। यही जिंदगी है, खुशियां गम इन सबको गले लगाना होता है, और जो हमारी किस्मत में लिखा होता वो चाहकर भी हम नहीं बदल सकते। इस बीमारी से कब से लड़ रही हैं? 1 साल हो गया है। और आपने किसी को बताया भी नहीं, ऐसा ही है ना? किसे बताती? मुझे नहीं मालूम, आपका कोई भाई बहन या रिश्तेदार तो होगा ना? रिश्तेदार हैं बिल्कुल, लेकिन उन लोगों को बताकर परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं बताया। ऐसा नहीं है बहन साहब, खुशियां जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से घटता है, यही उसूल है। लेकिन मेरा गम बताने से नहीं घटने वाला, बदकिस्मती से। ऐसा मत कहें, बिल्कुल कम होगा, शुरू होने से पहले ही हार नहीं माननी चाहिए। ज्यादा मत सोचो रिफत, ठीक है? आज से मैं 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा बैरन साहिबा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिफत, मैं रिश्तेदार नहीं हूं तुम्हारी, तुम्हारी बॉस हूं। जो भी है, चाहे बॉस ही क्यों ना हो मेरी, आप भले मुझसे कितना ही दूर रहने की कोशिश करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। वैसे भी आप मुझे मेरी मां की तरह लगती है, बताए क्या करूं मैं? मेरा रहम दिल बेटा। पेरेंट्स साहब, सिर्फ अच्छे ही लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों? रिफत, इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? वादा करो मैं बीमार हूं, ये किसी को नहीं बताओगे। आप इस तरह की बातें करके मुझे और उदास मत करें, मैं पहले ही ये कीमती रिश्ता खो चुका हूं, अब नहीं खोना चाहता बैरन साहब। एक ही शख्स को बार बार नहीं आजमाना चाहिए ना? मैं क्या तुम्हें तुम्हारी मरहूम मां की तरह अजीज हूं बेटा? हाँ आप बिल्कुल मेरी मां की तरह हैं। मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा, नहीं छोड़ के जाऊंगी तुम्हें, ठीक हो जाऊंगी मैं। खुशामदीद जानान, बैठो ना। मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त खबर है। सुनने के लिए बेताब हूँ। पूरा नाम परवीन बैरन दुआन, वो अपना खानदानी नाम इस्तेमाल करती हैं। 22 साल तक जर्मनी में रिहाइश इख्तियार की और वहीं उनका कैंसर डायग्नोस हुआ, जिसके बाद वो वापस इस्तांबुल आ गई। 32 साल पहले उनकी यहीं पर शादी हुई थी। अब आती है सबसे अहम बात, जिससे उनकी शादी हुई थी उनका नाम है शौकत दुआन। शौकत दुआन के 3 बच्चे हैं परवीन बैरन दुआन से। जो कह रही है उसका अंदाजा भी है तुम्हें? जी हाँ दी साहिबा, सब कुछ वाजे है। वाह भाई, तो ये सोना की माँ है। वो जानती थी कि वो उसकी मां है, लेकिन उसने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उसे कुछ बताने की जरूरत है? मेरा नहीं ख्याल कि अब जरूरत है। क्या लगता है, अच्छा हुआ या बुरा? तुमने थेरेपिस्ट से बात की क्या? कल बुलाया है उन्होंने। ठीक है, हमें इस बारे में मिलकर सोचना होगा। काफी देर हो गई, चलो आओ मैं तुम्हें छोड़ूं। ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूं उससे मिलकर।
अब क्यों आई हो यहां? कोर्ट का ऑर्डर देने के लिए आई थी मैं तुम्हें यहां। माहिरा को तुमसे छीन लूंगी निजात। कोर्ट में मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आंख लगी थी। अरे मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, फिक्र हो रही होगी उन्हें। फिक्र मत करो, मैंने मैसेज कर दिया था। हाँ ठीक है। तुम ठीक हो? अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो आकर चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी मेरी फिक्र छोड़ो। हमें पहले माहिरा के बारे में सोचना होगा। इसे आइलैंड के बारे में पहले से ही मालूम था, ये आसान बात नहीं। इससे भी एक बड़ा मसला है। देखो अब ये उठने वाली है। सबसे पहले ही अपना कंबल अपने ऊपर से हटा देगी। हाँ देखा, और ये अब करवट लेकर टांग को मेरे ऊपर रख देगी। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेगी। और अब ये मुझे एक मीठा सा प्यार करेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग मुझे देख रहे थे जब मैं सो रही थी तो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम बहुत प्यारी लग रही थी। दिल चाह रहा है कि खा जाऊं मैं तुम्हें। नहीं करे। नहीं करे। माहिरा के पापा अभी तो कुछ मदद करे। शाबाश, अब बहुत देर हो गई, उठ जाओ। चलो शाबाश, उठ जाओ मेरी नैनी परी। लेकिन आज तो छुट्टी का दिन है। तुम चाहो तो थोड़ी देर और भी सो सकती हो। नहीं मैं उठ गई, मुझे वैसे भी भूख लग रही है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी शहजादी। बाबा क्या मैं फ्रेश होकर आ जाऊं? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है। निजात तुम ठीक तो हो ना? हमें बात करनी होगी।
हांदे, ऑफिस तो काफी अच्छी जगह बना लिया तुमने। खुश आमदीद, तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी, आओ बैठो। क्या तुम्हारी ऑफर अभी भी वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है, कबूल है क्या तुम्हें? अभी तक फैसला नहीं किया मैंने। लेकिन तुम आ गई यहाँ, अच्छी बात है। इरादा कैसे बदल लिया तुमने? माहिरा की कस्टडी हासिल करनी है। नहीं निजात, कह दो कि ये सच नहीं है। काश कह सकता। क्या वो ऐसा कर सकती है? उसे कस्टडी मिल सकती है? मुझे नहीं मालूम, वकील से बात करनी होगी। मतलब आखिर वो औरत चाहती क्या है? क्या वो नहीं जानती कि माहिरा को इससे तकलीफ पहुंचेगी? यानी हमें कुछ करना होगा निजात, हम माहिरा को उसके हवाले नहीं कर सकते। कहीं अगर उसने सुन लिया तो और वो बेहोश हो गई तो? अल्लाह ना करे ऐसा। वो ये बात अपने दिल में रखेगी और खुद से लड़ती रहेगी, हमें कुछ नहीं बताएगी। ये कल रात देकर गई वो मुझे, तब से लेकर अब तक सो नहीं पाया मैं। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये यहां क्या हुआ है? लगता है मच्छर ने काटा हो। उफ। माहिरा को आज ये बात पता चल जाएगी कि उसकी असल माँ मैं हूँ, और ये बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो खुद चाहते हैं कि माहिरा ये सच जान जाए, मगर हम तुम्हारी तरह नहीं सोच रहे। माहिरा की भलाई किसमें है हम ये सोच रहे हैं। हम बात करेंगे उससे। सुना, जाने दो, इसके आगे मत गिड़गिड़ाओ। इसे माहिरा से कोई मतलब नहीं, ये बस हमें तकलीफ देना चाहती है। तुम हो कौन? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ? तो फिर बात को समझने की कोशिश करो और चली जाओ यहाँ से। देखो निजात, मुझे मजबूर मत करो, कहीं ऐसा ना हो पुलिस को बुलाना पड़े। जो दिल चाहे करो, मैं तुम्हारी धमकियों से आजिज आ गया हूँ। तुम मेरी बेटी से तभी बात करोगी जब वो इसके लिए तैयार होगी, और बस। भूल जाओ उन्हें, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। हमें माहिरा से बात करनी होगी, हम इस तरह से उसे नहीं छोड़ सकते। वकील से मिलने से पहले मैं माहिरा से बात करूंगा। इस कस्टडी केस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते फिलहाल। मैं नहीं चाहता कि अभी से बिला वजह सबको परेशान किया जाए। ठीक है, तुम परेशान मत हो। बाबा। आजा मेरी जान, शाबाश। तो तुम नहा कर भी आ गई। ओह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमेशा खुश रहो मेरी जान। बहुत शुक्रिया सोना अम्मी। बाबा, हाँ। मैं इस दफा कुछ ज्यादा गर्म पानी से नहा लिया मैंने। बहुत अच्छा किया, शाबाश। अब थोड़ी भूख लग रही है। वाकई में? अभी अभी एक आइडिया आया है, पता है? हैरी बाहर ब्रेड लेने के लिए गया हुआ है, तो हम उसका इंतजार नहीं करते। हम खुद किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाते हैं, क्या ख्याल है? जी, ऑमलेट कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। सोना अम्मी, आप भी हमारे से चलिए ना। माहिरा, मेरी टांग में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तुम बाबा के साथ शुरू करो, मैं आती हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है, फिर चले। तुम्हारे पास से तो वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नंगे पाँव तो नहीं हो तुम, मगर फिर भी मेरा दिल चाह रहा है कि क्यों ना आज माहिरा मॉन्स्टर की सजा दी जाए तुम्हें। तो तैयार हो जाओ जल्दी। एक, दो, तीन। मैं हूँ माहिरा मॉन्स्टर। हमारा निशाना बदल गया है। मैं सबको खा जाऊंगी। मैं आ रही हूँ। तेज तेज तेज। और आज हमारा हदफ है ये किचन। हाँ तो माहिरा, तुम तैयार हो? जी तैयार हूँ। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि फ्रिज में से अंडे निकाल लेती हूँ, और मैं टमाटर और मिर्चे निकालता हूँ। ठीक है। ऐसा करो, इसे यहाँ काउंटर पे रख दो। और मैं ये धो लेता हूँ।
वैसे तो ये धुले हुए हैं लेकिन पानी से खंगाल लेना बहुत अच्छा रहेगा। चलो पानी बंद कर दो, आ जाओ, ये यहां रख देते हैं। तो फिर मैं टमाटर को यहाँ रख देती हूँ और अंडों को वहाँ पे। ठीक है, हाँ तो असिस्टेंट लाओ मुझे एक टमाटर दो। ये लीजिए एक टमाटर, इसे काट दीजिए। शुक्रिया तुम्हारा, इसके छिलके उतार लेता हूँ। ध्यान से कहीं हाथ न कट जाए। नहीं कटेगा, फिक्र मत करो। माहिरा, एक बात पूछनी है तुमसे। जी पूछिए। मैंने नोट किया है तुम अपनी अम्मी के बारे में बात नहीं करती। हाँ, बाबा मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, मगर हमें ये बात तय हुई थी कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, जो भी होगा खुलकर बताएंगे। जी ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी इस बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर तुम अपनी अम्मी से मिलना चाहो और उन्हें जानना चाहो तो तुम फौरन मुझे बताओगी इस बारे में, ठीक है? ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है। जी तो अब क्या करना है मुझे? अब मुझे एक टमाटर और कुछ अंडे चाहिए, क्योंकि हमें चार लोगों का नाश्ता बनाना है, एक से तो पेट नहीं भरेगा ना हमारा। ठीक है, ये लीजिए एक और टमाटर। जल्दी करो वरना हैरी से डांट पड़ेगी। चलो जल्दी से दो मुझे। और चाहिए? हाँ दो अंडे और दो, इतनी मुश्किल से अंडे निकाल के दिए तुमने। अब इसे अंदर रख दूं? ये रख के आ जाओ मेरे पास। जी ठीक है, आ रही हूँ। तो क्या सही सोच रही हूँ मैं? तुम क्या वाकई निजात से माहिरा की कस्टडी लेना चाहती हो आयलिन? हाँ, इसके लिए केस भी दर्ज करवा चुकी हूँ। काश तुमने ऐसा नहीं किया होता। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? यानी तुमने निजात से साफ साफ कह दिया कि तुम माहिरा की कस्टडी लेना चाहती हो उससे। अब वो तुम्हें अपना दुश्मन समझेगा, तुम्हारी हर हरकत पर नजर होगी। ये करने की जरूरत क्या थी? वो क्या है ना हांदे, तुम्हारी तरह प्लान करके कुछ नहीं करती, जो भी करती हूँ खुल के करती हूँ। निजात मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, उसे मुझसे बदसन कर रहा है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मैं तुमसे ऐसा कब कह रही हूँ? कहने का मकसद है कि काम ऐसा करो कि सामने वाले को तुम्हारे असल इरादे का अंदाजा ना हो। यानी तुम कहना चाहती हो कि मैं तुरुप का पत्ता छुपा कर रखूँ? हाँ बिल्कुल आयलिन, क्यों नहीं, फायदा इसी से होगा। यकीनन तुम्हारे पास कोई प्लान है, क्या मैं सही समझ रही हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि पहले कुछ और अहम बात कर लेनी चाहिए हम दोनों को, जैसे कि साथ काम करना है या नहीं? अब जबकि मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो मुझे कबूल है। तो फिर तुम्हें मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। क्या बाकी की बातें बाद में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुमने अच्छा फैसला किया। हाँ तो हैरी अंकल कैसे लगा? बस ठीक है। क्या, अगर सच कहूँ तो तुमसे तो अच्छा नाश्ता बनाया हमने। जी हाँ, और मैंने वैसे भी आपसे अच्छा ही बनाया है। मेरे जैसा नाश्ता बनाने के लिए तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा नन्ही बला। सोना अम्मी आप क्या कहती हैं? इतना जबरदस्त ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया। देखा हैरी अंकल, सोना तुम्हारी तरफदारी कर रही है। बिल्कुल नहीं। मैं देखता हूँ। माहिरा तुम हर थोड़ी देर बाद अपना हाथ खुजा रही हो, दिखाओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मच्छर ने काट दिया। दिखाओ मुझे, लग तो यही रहा है। क्या दर्द भी हो रहा है? नहीं। बस ठीक है, आस्तीन नीचे करो और ज्यादा खुजाओ मत। ठीक है, बस वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। देखो तो कौन आया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सानिया आंटी। माहिरा, ओह कैसी हो? मैं ठीक, और आप? मैं भी ठीक। हेलो दामाद साहब। खुशामदीद सानिया। शुक्रिया। आपा सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। तुम्हें अंगूठी क्या मिली? तुम तो घर का रास्ता ही भूल गई सोना। ऐसी बात नहीं है, मेरी बस आंख लग गई थी। बैठे ना प्लीज। अच्छा तो बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? वैसे उन्हें बुरा तो लगा था मगर कहा कुछ नहीं। ठीक है, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। ठीक है, देखो क्या लाई मैं अपने साथ, हमें बहुत सारे काम करने हैं अभी। हाँ, क्या इसमें दुल्हन की भी तस्वीरें हैं? हाँ ना। ये क्या है आपा,
भूल गई हो, 2 दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी को सोना, बहुत सारे काम बाकी हैं, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। शुक्रिया। क्या कहा 2 दिन, अभी तो कोई तारीख तय नहीं हुई, जल्दी किस लिए? तुम्हें वक्त का पता ही नहीं चलेगा जब शादी की तारीख पक्की हो जाएगी, दिन इतनी तेजी से गुजरेंगे तुम हैरान हो जाओगी। मुकद्दस आंटी की बेटी की शादी भूल गई हो क्या? याद है ना तुम्हें, शादी वाले दिन तक उसका जोड़ा तैयार ही नहीं था, बारात घर तक आ पहुंची थी और उस वक्त उसका दुपट्टा तैयार किया जा रहा था, वो भी बहुत अजीब बना हुआ था। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, हर चीज वक्त पे तैयार होगी। निजात साहब प्लीज बुरा मत मानिएगा, 1-2 दिन में हम शादी का जोड़ा पसंद कर लेंगे, ठीक है ना? क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ इसमें? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे अपने साथ एक मददगार चाहिए। निजात माफी चाहती हूँ मैं, आपा भी ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग बातें करो, मुझे भी अब जाना होगा, आज एक जरूरी मीटिंग है, मेरा जाना जरूरी है, डॉक्टर आने वाला होगा, ठीक है, भूलना नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, और वो जो मीटिंग होगी ना उसके बारे में बता देना। ठीक है बता दूंगा, तुम्हारे भी तो मजे होगा, दुल्हन की तस्वीरें, दुल्हन की चीजें। चलो हाई फाइव। हाँ मैंने अपना बदला ले लिया, तुम्हारा मुंह खराब कर दिया। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सानिया। खुदा हाफिज दामाद साहब। यानी आज पूरा दिन आप हमारे साथ होंगी सानिया साहिबा? हाँ अगर आपको परेशानी ना हो, अगर आपको हम लड़कियों से कोई मसला है तो हम लोग कहीं और भी जा सकते हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी होगी। सानिया आंटी, हैरी अंकल तो आपको कहीं नहीं जाने देंगे, है ना हैरी अंकल? मेरा इस सबसे क्या लेना देना, मैं तो बस ये चाह रहा था कि खवातीन तसल्ली से अपना काम करें, इसमें ऐसा क्या है? पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। ज्यादा ही चालाक लड़की हो, हद है। बुर्जू अंदर आना जरा। जी कहिए। बैरन साहिबा से डिलीवरी के सिलसिले में बात हो गई? जी हो गई है, और काम भी सुबह से शुरू हो गया है। अच्छी बात है, जबरदस्त। अब जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो। लिखो, ये अजनबी सा रवैया कब खत्म होगा? अच्छा देखो, ये लिखने के बाद उसके आगे सवाल या निशान लगाना मत भूलना। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, बात यह है कि बातचीत आखिर कब तक बंद रहेगी? क्या कह रहे हैं, बात तो कर रही हूँ। तो एक बार फिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के कौन हैं? चले बताती हूँ मैं, दरअसल हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं और हम दोनों का साथ रहना इंतहाई मुश्किल है, हमारी सोच भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यही फैसला है ना हमारा? मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम मुस्तकबिल कैसा होगा, लेकिन मुस्तकबिल को लेके मेरे भी कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि ये देखो, ये कागज के 2 टुकड़े हम दोनों को जाहिर कर रहे हैं, अभी हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मुस्तकबिल में जो मेरा इरादा है वो यहाँ जाने का है। ये जो कागज का टुकड़ा है ना, ये यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए, अब ठीक है? तो इसे भी यहाँ होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बगैर हर जगह अपना मायने खो देती है। क्या आप ऐसी बातें करके मुझे मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है मैं कुछ नहीं कह रहा, अब सीधी तरह से बात समझा देता हूँ तुम्हें। लंदन, पेरिस, और ये रहा लास वेगस। जरा दिखाओ ये। आप भी ना पागल हैं बिल्कुल। कैसा लगा, पसंद आया? कभी कभार ऐसे कपड़े भी पहन लिया करो। शरारती। क्या ये सब आपने बनाई है? हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा है ये किसी अनाड़ी का काम है, मुझे आपसे इससे बेहतर की तवक्को। मगर तुम हंसी तो। हाँ मैं इसलिए हंस रही थी कि आप इतनी बेवकूफाना चीजों पे काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे काम करने का मौका ही मत दो, मुझसे दूर मत जाओ, मुस्तकबिल के बारे में सोचकर आज को खराब मत करो, अभी तो हमें एक साथ मिलकर काफी एडवेंचर्स करने हैं।
तो भुर्जू साहिबा, क्या मेरा साथ देना पसंद करोगी? आप वाकई में पागल इंसान हैं सरकान। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से हाँ कहो ना, इस्तांबुल मैराथन ज्वाइन कर लेना चाहिए हमें। मगर मैं तो समंदर के किनारे रेत में कोई एडवेंचर करने का सोच रहा था तुम्हारे साथ। हाँ तो क्या हो गया, आपको जिंदगी में एडवेंचर चाहिए तो ये तो अच्छा है। मुझे बचपन से ही इसका बहुत शौक था, अब साथ मिलकर दोनों शामिल हो जाते हैं। तुम्हें पता भी है मैराथन में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने? हमें उसका आधा दौड़ना चाहिए। क्या यानी मैराथन में जितना दौड़ते हैं उसका आधा? कोई एतराज है तुम्हें? एतराज नहीं है मुझे, हरगिज भी नहीं। ये एक वाहिद चीज है जो हम दोनों मिलकर अच्छी कर सकते हैं, ये अच्छा भी है। ठीक है तो फिर हम इस्तांबुल मैराथन ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ हमें तो भर दिया लेकिन बाद में पीछे नहीं हट सकते, हमें हर रोज जॉगिंग करनी चाहिए ताकि मैराथन में शामिल हो सके। अब ये क्या है? हाँ? खाने पीने का भी ख्याल रखना होगा वरना इतना दौड़ना होगा कि हम सूखी लकड़ी बनकर रह जाएंगे, है ना? ठीक है। या। जी ठीक है हांदे साहिबा। और कोई बात है जानान? परवीन के बारे में किसी को मत बताना। आप बेफिक्र हो जाएं, बाद में मिलते हैं। सब खैरियत तो है ना, क्या काम है? माफ कीजिएगा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए आई हूँ यहाँ, ये लीजिए। इस्तीफा? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं हांदे साहिबा के साथ काम करूंगी। एक बात है जो मैं अपने दिल में नहीं रख सकती, सरकान साहब आपके साथ काम करना किसी छोटे बच्चे के साथ काम करने जैसा है, इंतहाई गैर जिम्मेदार, बहुत ही अजीब और गैर संजीदा। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, सिर्फ सोना और सरकान साहब की दोस्ती की वजह से तुम यहाँ टिक गई। अगर हांदे साहिबा के हाथ में होता ना तो तुम यहाँ पे एक लम्हे के लिए भी ना टिकती। पहले मैं तुम्हारे बाल नोच लूं फिर भले चले जाना यहाँ से। छोड़ दो उसे। बदतमीज। अच्छा बस ठीक है ठीक है, अपना ये गुस्सा मैराथन के लिए बचा के रखो। मैं अभी एक मिनट में आ। अरे रुको, ऐसा मत करो। क्या हो रहा है ये? मैं आपको भी बता दूं, सरकान साहब को मैं अपना इस्तीफा दे चुकी हूं। मगर वजह? क्योंकि आप लोगों ने हांदे साहिबा की बिल्कुल कदर नहीं की, और हां निजात साहब आप इस लायक ही नहीं। क्या हुआ, मुझे देख के भाग रही हो? भागो भागो। अच्छा बस छोड़ो ना, जाने दो। हो क्या रही है? हाँ, मत पूछे। वो इस्तीफा देके हांदे के पास जा रही है। तो जाने दो। वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी निशात, उसका अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। तो कुछ और इरादा कर बैठी है, ये कह रहे हो? अब हमें काम पे लग जाना चाहिए, रोज की तरह अपने क्लाइंट्स को कॉल करना, कॉल के साथ उन्हें ईमेल करना, और जो क्लाइंट्स फ्री हैं उनके साथ लंच अरेंज करो, उन्हें फारिग नहीं छोड़ना। ठीक है। वकील आया होगा, मैं उससे बात कर लूं फिर आता हूं। क्या हुआ? आगे बताता हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। इस वक्त आने के लिए माजरा चाहता हूं। आयलन ऐसा कदम उठाएगी यकीन नहीं आ रहा, मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। केस खत्म हो चुका है, माहिरा की कस्टडी भी मुझे सौंप दी गई है, तो दोबारा कस्टडी के लिए केस करना ये सब क्या है? कोई भी कानून एक माँ को बच्चे की कस्टडी का दावा करने से नहीं रोक सकता। मजीद यह कि यह दावा दायर करने की सूरत में केस में काफी अरसा भी लग सकता है, मतलब ये कि एक थका देने वाला केस है। और यह भी मुमकिन है कि मायरा की कस्टडी उसकी माँ को दे दी जाए। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? वो सालों पहले हमें छोड़कर चली गई थी और इतने सालों में एक दफा भी मायरा का नहीं पूछा उसने, और मायरा की कस्टडी भी अपनी मर्जी से मुझे दी थी, और अब वो इतनी आसानी से मायरा को मुझसे छीन लेगी, ऐसा है क्या? लेकिन अब वो वापस आ गई है और इस दफा वो अपना हर कदम ध्यान से उठाएगी, मेरा मतलब है अब वो एक अच्छी माँ होने का दिखावा करेगी। इस तरह के केसेस में पहले से अंदाजा लगाना जरा मुश्किल होता है, काफी पेचीदगियां होती हैं।
और माहिरा भी इस केस से बहुत बुरी तरह से मुतासर हो सकती है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या राय देंगे? समझौता कर लें। कैसा समझौता? केस कोर्ट में आने से पहले आप दोनों के दरमियान एक मुलाकात होनी चाहिए और मुलाकात में ये तय कर लें कि माहिरा की कस्टडी तो आपके पास रहेगी लेकिन उसको उसकी माँ से मिलने दिया जाएगा और इस तरह से उन्हें ये लगेगा कि आप इस मामले को खुश असलूबी से हल करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं क्या? बस यही है? इसके अलावा मुश्किलात हो सकती हैं। वो तो ठीक है लेकिन मैं अपनी बेटी से एक दिन भी दूर नहीं रह सकता और आप कह रहे हैं कि मैं समझौता कर लूं, ये मशवरा दूं। हफ्ते में कितने दिन आके मिलेगी मेरी बेटी से? वो काफी अजीब सूरत हाल नहीं हो जाएगी? क्या ये कस्टडी खो देने से बेहतर नहीं है? तो क्या मैं उनसे मुलाकात का प्रपोजल तैयार कर लूं? ठीक है। अच्छा तो फिर इजाजत दीजिए निजात साहब। खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़। सब कुछ ठीक है? नहीं। क्या हुआ? बैठो बताता हूं।